इस प्रकार का जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। कांवड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर के करना चाहिए, और सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की बातें नफरत को बढ़ावा देने का काम करती है, बहुत दुखद है। तो जिस तरीके से पोस्टर लगाने की बात कही है, तो उससे क्या कांवड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कांवड़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कांवड़ बनाने वाले सारे मुसलमान नहीं है क्या? कांवड़ मुसलमान ही नहीं बना रहेगा बैठ करके? ये जो यहाँ पहन करके, जो ड्रेस पहन करके चलते हैं, ये सारी की सारी यहाँ हौजरी की ड्रेस यही नहीं बनती क्या? इसके अंदर कितने मुसलमान बना रहे हैं? ये कौन सी बात हो गई हिंदू और मुसलमान की? हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर बात मत करो, बात करो नौजवान के रोजगार की, बात करो किसान के फसल के दाम की, बात करो व्यापारी के नुकसान की। आप उसके ऊपर बात नहीं करते हो, इधर उधर की बात कर करके ध्यान भटका देते हो लोगों का। भैया हार तो रही है, लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो कावड़े हैं उनको क्या संदेश देना? कावड़ियों को भैया, कावड़ जो है ना श्रद्धा का काम है, कावड़ जो है अपनी श्रद्धा के साथ लेके जा रहे हैं, उनका सम्मान करना सभी का फर्ज है कि सभी लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करें, पुष्प वर्षा करें, उनको जो उनके हैसियत हो उस हैसियत के साथ उनको सम्मान देने का काम करें। तो क्या लगता है सरकार के द्वारा करवाया गया इस तरह का जो? अब ये तो सरकार जाने और सरकार के कारिंदे जाने, मैं क्या बता सकता हूँ।